मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे मिलेगी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। और आज है रामनवमी, तो आप सबको नवरात्रि के लास्ट डे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सबकी इच्छा पूरी हो, मन की मनोकामना। और मैं जा रही हूँ अभी मंदिर और मैंने पहना है रेड कलर की कॉटन साड़ी। और अभी मैं और किशन जा रहे हैं मंदिर और इधर बुक रखा हुआ है क्योंकि रोहित अभी पढ़ाई कर रहा था। और मैं अभी मंदिर जा रही हूँ और मैं अभी लगा रही हूँ आलता। बंगाली में पूजा करने के टाइम आलता लगाना कंपलसरी माना जाता है, हमारे यहाँ तो माना जाता है। तो मैं अभी आलता लगाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी मंदिर। तो मैं लगा रही हूँ आलता, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे लगाती हूँ। और मैं यहाँ पर मंदिर के पास वाले जो दुकान है वहाँ से फूल और नारियल वगैरह ले रही हूँ पूजा के लिए। उसके बाद पूजा का सामान लेके मैं जा रही हूँ दुर्गा मंदिर। और यहाँ पर मैं इस चुन्नी में सारे प्रसाद वगैरह डाल के चढ़ावा के लिए तैयार कर रही हूँ। और ये है शिव मंदिर, मैंने पहले भी वीडियो में इस शिव मंदिर को दिखाया है। ये हमारे घर के सामने में है तो हम यहीं पे पूजा करने के लिए जाते हैं। और ये है हनुमान मंदिर। आज यहाँ पे बहुत भीड़ था रामनवमी के मौके पर और यहाँ पे भी दुर्गा जी का कलश स्थापना हुआ था। और मैं वेट कर रही थी और यहाँ पे रोहित और किशन दोनों पूजा कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पर भी झंडा चढ़ा रहे थे पर हम पूजा करा के झंडा वापस ले आए घर, क्योंकि हमें घर में झंडा चढ़ाना था। मैं आ चुकी हूँ मंदिर से घर और अभी किशन और रोहित पूजा कर रहे हैं झंडे की, जो कि झंडा गड़ाएगा हमारा जहाँ पे तुलसी का
है वहाँ पे चबूतरा वहाँ पे, तो अभी रोहित और किशन उसकी तैयारी कर रहे हैं। और झंडा का पूजा मंदिर में ही करवा लिए थे हम, पर अभी किशन थोड़ा बहुत तिलक वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद इस झंडे को हम तुलसी के चबूतरे के साथ लगाएंगे। और ये बेसिकली जेंट्स लोग करते हैं तो वही रोहित और किशन कर रहे हैं। मंदिर से आने के बाद घर में पूजा हुआ जिसमें किशन ने महावीर झंडा गाड़ा हमारे तुलसी के चबूतरे के साथ। और उसके बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठी हुई हूँ, मैं वेट कर रही हूँ अपने भाई का क्योंकि उसने फ़ोन किया था कि वो आ रहा है हम लोगों से मिलने के लिए, तो वो अभी आएगा। और मैंने साथ ही साथ अपना लंच चढ़ा दिया है और लंच बन रहा है मेरा। आज मैंने नया हेयर स्टाइल बनाया है, पूरे बाल जो मेरा यहाँ आगे में कटिंग रहता है उसको मैंने आज समेट के यहाँ क्लिप किया हुआ है। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि मुझ पर ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ में वो जो मेरा बाल कटिंग रहता है आगे में वैसे ही रहता है और मैं क्लिप नहीं करती हूँ उस बाल को, बट अभी मैंने सारे बाल को पकड़ के यहाँ पर क्लिप किया हुआ है। तो और ये मेरा भाई आ चुका है और हम सब मिल के गप कर रहे थे। ये बहुत दिन दिन बाद आता है मेरा भाई मेरे घर पे, तो बच्चों को भी बहुत मन लगता है उसके साथ, तो हम सब मिलके बात कर रहे थे। और यहाँ पर हम सब मिलके पी रहे हैं फ्रूटी क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो हम सब मिलके पी रहे हैं। और मेरे भाई के जाने के बाद रोहित यहाँ पे गिटार प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि आज उसका गिटार क्लास है शाम को 5 बजे से, तो वही अपना प्रैक्टिस में लगा हुआ है वो। और यहाँ पे रिया बना रही है सैलेड और मैंने दाल चावल बना लिया था पर सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो वही अभी फटाफट सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैं बनाने जा रही हूँ अभी एक लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी मेरे चैनल पे मैंने डाला था पर ये दूसरी तरह से है, तो उसमें लहसुन को मैंने क्रश कर लिया है और इसमें चाहिए हमें ये सरसों पीसी हुई, इससे मैं बनाऊंगी अभी लहसुन की चटनी एक तरह से। तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। और एक छोटे से पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए दिया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च और फिर इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पंचफोरन। और पंचफोरन चटकने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी और फिर हल्दी को थोड़ा सा चला के फिर इसमें लहसुन डाल दूंगी। और लहसुन डाल के हमें भूनना है ब्राउन होने तक इसको, उसमें नमक भी डाल दूंगी स्वाद अनुसार और फिर इसे अच्छे से धीरे धीरे चलाते हुए भूनना है। अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे सटने लगता है, इसलिए चलाते रहना है इसे। और लहसुन भूनने के साथ साथ एक तरफ लहसुन भून रहा है अब दूसरी तरफ मैं तैयार करूंगी इसका मसाला
जो हमने पीली सरसों पीसी थी उसमें डाल रही हूँ मैं जीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और फिर लाल मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले डाल के मैं इसे थोड़ा सा पानी मिला के घोल के रख लूँगी। और इधर हमारा लहसुन जो है वो भून रहा है। और आप देख सकते हैं लहसुन जो है वो भून चुका है। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी और पानी डाल दूंगी और फिर इसको अच्छे से पकने दूंगी थोड़ा देर के लिए, जब तक ये गाढ़ा ना हो। और आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है और हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये है मेरा रामनवमी स्पेशल लंच। इसमें है चावल, पूड़ी, पापड़, सैलेड और दो तरह की सब्जी, एक आलू बंदा गोभी की सब्जी और एक है ड्रम स्टिक की सब्जी और लहसुन की चटनी और दाल। तो ये है मेरा आज का लंच। और मेरा लंच हो गया, मैंने किचन क्लीनिंग कर लिया और अभी बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से कुछ काम कर रही थी तो अभी थोड़ा सा थक गई, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। और रेस्ट करने के बाद शाम हो गई है क्योंकि थोड़ा देर बैठी हूँ, उसके बाद फिर अभी रोहित जाने वाला है गिटार क्लास क्योंकि 5 बजने वाले हैं, तो अभी रोहित गिटार क्लास जाएगा, आज उसका गिटार क्लास है, उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करूँगी आगे। और रोहित जा रहा है अपना गिटार क्लास। और शाम के टाइम यहाँ पे हो रहा है कुछ प्रोग्राम, मैं और किशन निकले थे वॉक पे तो हमने देखा, हम लोग नज़दीक नहीं गए बट पता चला कुछ हो रहा था, और जुलूस भी निकले हुए थे रोड पर इस तरह से, तो हमने जुलूस देखा, छोटे छोटे बच्चे राम सीता बने हुए थे। तो इस तरह से था मेरा संडे का ये पूरा दिन। और अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि कल सुबह से फिर से रूटीन चालू है, सबका स्कूल है, ऑफिस है, तो इसलिए मैं जल्दी सो जाऊंगी। अभी 11:30 बज रहे हैं और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।